नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का लेक्चर है अक्षांश व देशांतर रेखाओं पे। ओके, तो आइए आज हम लोग अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में समझते हैं। इनका इम्पोर्टेंस भी समझेंगे कि आखिर में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग अक्षांश रेखाएँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाएँ। ठीक, तो पहली बात होता क्या है? दो डिफिनीशंस, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहला, पृथ्वी के अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के किसी भी सतह बिंदु से जो पृथ्वी के केंद्र के मध्य जो कोणीय दूरी होती है वही क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। क्या होती है? पृथ्वी के सतह से केंद्र के मध्य जो कोणीय दूरी होती है, जैसे ये अगर ये सतह बिंदु है तो यहाँ से इसके केंद्र के मध्य जो कोणीय दूरी है, अगर ये मैं कहूँ कि 23.5 डिग्री एंगल है, कोणीय दूरी है, तो अब इसी पृथ्वी के इसी भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई इस कोणीय दूरी पर खींची गई रेखा समानांतर रेखा क्या कहलाएगी? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, इस डायग्राम पे हम लोग अभी आएंगे। आइए मैं एक एक चीज़ें आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद वो अपने आप समझ जाएंगे आप। जैसे ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं, तो पहले ये समझो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भू। क्या बोलते हैं? भू बोलते हैं। अब पृथ्वी को गौर से सुनिएगा, पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण में विभाजित करने वाली काल्पनिक लाइन जो दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, वह काल्पनिक लाइन जो पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है वह क्या कहलाएगी? मध्य रेखा। तो किसके मध्य से जा रही है? भू माने पृथ्वी, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या है, समझ गए? अब भूमध्य रेखा से अभी हम लोग ऊपर का जो पृथ्वी का क्षेत्र है यह पूरा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि आधा गोला है ना। ठीक है, इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन अभी इसको और भी टेक्निकल, ठीक है, डिफिनेशन के साथ समझेंगे। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा जो उत्तर व दक्षिण को दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट दे उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को क्या किया जाता है? इसी को एज ए बेस मान लिया जाता है, आधार रेखा मान लिया जाता है, इसके तल को आधार तल मान लिया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी इसे आधार मान लिया जाए, इसका केंद्र ये हो, तो जरा आप बताइए पृथ्वी के किसी भी सतह बिंदु से पृथ्वी के केंद्र के मध्य जो कोणीय दूरी बनती है, मैं मान लूँ इसे क्या है? 10 डिग्री। ठीक है, तो इसी आधार रेखा के समानांतर खींची गई इस कोणीय दूरी पर खींची गई जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी 10 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन सब काल्पनिक हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। अर्थात अगर मैं कहूँ पृथ्वी का ये सतह बिंदु पृथ्वी के केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, मैं मान लूँ ये क्या बना रहा है? 40 डिग्री। तो अब फिर से इस आधार तल के समानांतर खींची गई इस बिंदु पर खींची गई इस कोणीय एंगल पर खींची गई लाइन क्या कहलाएगी? इस तरीके से खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? अब आप समझ रहे हैं, 40 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहलाएगी? 40 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इस एंगल को देखा जाए तो मैं कह दूँ कि 89 डिग्री है। क्या है? 89 डिग्री एंगल है इस सतह बिंदु से केंद्र के मध्य कोणीय जो दूरी है वो 89 डिग्री। तो अब 89 डिग्री इसी भूमध्य रेखा के तल या बेस लाइन के क्या है? समानांतर अगर खींची जाए तो वास्तविक में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल इसके समानांतर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, बहुत छोटी सी मिलेगी। देखो यहाँ पर यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, उसके बाद यह, उसके बाद यह, ऊपर की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है? घटती जा रही है।
और 89 पर देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर जा करके टच होने वाली है। और अगर मैं 90 डिग्री के मध्य कहता तो 90 डिग्री पर अगर आप अक्षांश रेखा इसी के समानांतर खींचो काल्पनिक रेखा, तो कोई रेखा नहीं मिल सकती, क्या मिलेगी? बिंदु मिलेगी। क्या मिलेगी? एक बिंदु मिलेगी। और इसे ही क्या कह सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है? 90 डिग्री अक्षांश रेखा। और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। इसी प्रकार दक्षिण में भी क्या है, इसी प्रकार दक्षिण में भी यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगी। और इसे ही क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा होगी, जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर 90 डिग्री तक जाने में क्या है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। और ठीक उसी प्रकार नीचे जाने पर 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। अब ये रेखाएं काल्पनिक हैं और लंबाई की बात नहीं। अब अच्छे से सुनिएगा कि पृथ्वी गोल है तो उसके क्या है, चारों ओर एक क्या है, सर्कल है। ये क्या है? चारों ओर सर्कल अर्थात वृत्त हैं। ये क्या है? सर्कल रेखाएं हैं। अगर अब मैं कहूँ कि इस जीरो डिग्री, अच्छा इसे जीरो डिग्री अक्षांश क्यों कहते हैं, अब इसे बताता हूँ यहाँ पे। इसे जीरो डिग्री अक्षांश क्यों कहते हैं ज़रा बताइए तो, अर्थात भूमध्य रेखा को ही क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या फिर इसे भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर, क्योंकि इक्वली क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, इसीलिए इसे इक्वेटर भी कहते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश कहने का कारण बताता हूँ कि यहीं पे क्या है, इसे बेस आधार मान लिए तो अगर यहीं से तो आप ये एंगल बना रहे हैं ना, जब ये वाली लाइन इसी पर रही होगी तो दोनों लाइनों के मध्य क्या एंगल, जीरो डिग्री, इसीलिए इसे क्या है, आधार रेखा को ही जीरो डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। अगर अब मैं कहूँ कि पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ी सर्कल कौन सी अक्षांश रेखा बना रही होगी, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, जीरो डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी सर्किल कौन बनाता है ये, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्रेट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है, जिसकी कुल परिधि लगभग 40,045 आती है, ठीक है, 40,045 आती है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, अब आप अच्छे से सुनना, यहीं पे मैं बताता हूँ कि जीरो डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, क्योंकि वहाँ पे 10 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 10 डिग्री होगा, तो इसके ऊपर को उत्तरी अक्षांश अर्थात अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर होगा उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तरी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसा यहाँ पर हो अगर तो क्या लिखेंगे, 20 डिग्री या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक। तो इस प्रकार 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य समस्त भूभाग पृथ्वी का क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य संपूर्ण भूभाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। समझ गए, ठीक। तो इस तरीके से अब गिन लेते हैं कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने पर क्या होंगी, यहाँ पर 1 डिग्री वाली लाइन होगी, 2 डिग्री वाली होगी, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 40, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे जाते हुए ऊपर 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री, अर्थात 90 ऊपर 90 नीचे, और 0 डिग्री को आपने काउंट ही कहाँ किया, इसलिए टोटल कितनी हो गई, 180 प्लस 1 हो गई, अर्थात 181 अक्षांश रेखाएं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड पे जा रहा हूँ, जो कन्फ्यूजन है बड़े पेपर में भी आराम से कर सकते हैं। देखो, 0 डिग्री ये 90 डिग्री
ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, अभी तो आपने देखा ना 89 छोटी सी रेखा मिल रही थी, लेकिन 90 डिग्री क्या है, पृथ्वी लगभग लगभग गोल होने के कारण क्या है, यह वहीं पर जा करके एक बिंदु में तब्दील हो जाएगी। किसमें? बिंदु में। तो क्या कोई रेखा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कोई रेखा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी क्या मिलेगी? एक बिंदु मिलेगी, रेखा नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर भी रेखा नहीं, यहाँ पर भी, तो 181 कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि अगर यहाँ पर देखो अच्छे से आप, अगर मैं इसी पृथ्वी को क्या कर देता, इसी पृथ्वी को इस पॉइंट से क्या कर दूँ, ऐसे अलग करके क्या कर दिया जाए, फैला दिया जाए, ठीक है, पृथ्वी के इस वाले, इस लाइन के पीछे वाले भाग को ओपन कर दिया जाए, तो विश्व का पूरा, पृथ्वी का पूरा मानचित्र जो हम आप पढ़ते हैं, जो घरों में लगा है ना वर्ल्ड मैप, वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो 90 डिग्री वाली भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से ओपन होने पर ऊपर भी क्या होगी, एक लाइन मिल जाएगी, इसलिए काउंट हो जाती है, तब 181 आती है। और ऐसे अगर सामान्यतः देखा जाए तो 181 माइनस ये पॉइंट और ये पॉइंट दो निकल जाता है, तो वास्तविक रूप में कितनी मिल जाएंगी आपको, ऐसे सामान्यतः 179। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक। तो किसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, किसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अब इसी को समझने के बाद पूरी गिनती भी हो गई, तो आइए देख लेते हैं इसे पढ़ते क्यों हैं, क्या है ये, समझ गया, इसे क्यों पढ़ा जाता है। तो पृथ्वी पर, पृथ्वी पर किसी देश, किसी स्थान, किसी क्षेत्र विशेष की अवस्थिति, लोकेशन, अवस्थिति, लोकेशन को जानने के लिए, अर्थात अवस्थिति निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अक्षांश का। अगर ऐसा है तो पृथ्वी में भारत को भी तो ढूंढना चाहिए ना, अभी ढूंढेंगे, अच्छे से देखते रहिएगा, ढूंढिएगा, समझ जाएंगे हम लोग पढ़ रहे हैं सही। अभी इस मैप में आते हैं, ठीक है, ये हम, ये क्या है, पृथ्वी है। अगर अब मैं कहूँ सिंपल सिंपल आप समझने लगे हैं कि क्या होती है अक्षांश रेखा, पृथ्वी के सतह से, सतह किसी सतह बिंदु से पृथ्वी के केंद्र के मध्य जो कोणीय दूरी होती है, और इसी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा उस बिंदु पर क्या कहलाती है, उसी कोणीय दूरी के नाम से जानी जाती है। अब कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता कि अगर मैं कहता 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश इधर भी तो बन सकती है, 66.5 डिग्री यहाँ पर, अगर ये एंगल 66.5 डिग्री का है तो ये रेखा आपने जो देखा है ऊपर वो कितनी है, 66.5 है, लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि 0 डिग्री के नीचे इधर जाने पर क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्लियर? यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना कन्फ्यूजन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध की है तो दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे क्या लिखेंगे आप, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे क्या लिखेंगे आप, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे क्या लिखेंगे आप, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और यही दक्षिणी अक्षांश रेखा ही क्या कहलाएगी आपकी, एक बिंदु है, क्या है, बिंदु है, और बिंदु, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउथ पोल। अच्छा, खींचने को तो 1 डिग्री जो कोणीय एंगल बनाई होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे 89 से 90 डिग्री, अर्थात 90 ऊपर 90 नीचे, तो मैं पूरी क्यों नहीं बनाया, केवल और केवल यहाँ पे बनाया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिन्हें मकर रेखा, और 66.5 डिग्री अक्षांश जिन्हें आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे, ठीक है, आर्कटिक, यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक वृत्त है, ओके। तो इनकी कुछ विशेष महत्व, इनका कुछ विशेष महत्व होगा उसको देख लेते हैं, जरा देखिए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर ये पृथ्वी की क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की पोजीशन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री क्या है, झुकी है, और इस साइड से कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो झुकी है, इसी के कारण पृथ्वी की हमेशा उसके चारों ओर की ये पोजीशन जो बनाई है हमने, पहले मैं मान लूँ कि पृथ्वी के क्या है,
भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है और यह पृथ्वी जब इस तरीके से यहाँ पर पहुँचेगी तो आप अच्छे से देखना, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, और कर्क रेखा किधर आ जाएगी, इसके सामने लंबवत चमकेगा कर्क रेखा पे सूर्य, और यहाँ पर आने पर पुनः किस पे, 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा पर, और यहाँ जाने पर देख रहे हैं ये कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, अर्थात भूमध्य रेखा कर्क रेखा पर लंबवत चमका, फिर भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा पे, और ऐसे ही तीन तीन मंथ में पूरे साल भर सूर्य सदैव कहाँ पे, देख रहे हैं ना, भूमध्य रेखा से अगले तीन मंथ में कहाँ जा रहा है, कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है, फिर कर्क रेखा से भूमध्य रेखा आ रहा है, फिर भूमध्य रेखा से मकर रेखा, और मकर रेखा से अगले तीन महीने में कर्क रेखा। तो पूरे साल भर इसी क्षेत्र में सूर्य की लगभग लंबवत किरणें पड़ती रहती हैं, खास करके विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य की साल भर लंबवत किरणें पड़ने के कारण ही इस पूरे क्षेत्र में पूरी पृथ्वी का सर्वाधिक तापमान का क्षेत्र मिलता है, ठीक है, लंबवत किरणों के पड़ने के कारण। ओके, अगर अब मैं कहूँ कि इन्हें और क्या बोला जाता है, तो प्रत्येक डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य जो भूभाग होता है उसे बेल्ट कहा जाता है, अर्थात इनके मध्य ये सब क्या है, ये बेल्ट 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 है, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा था, एक बात पहले भी कही थी कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर समान दूरी पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, काल्पनिक रेखा ही अक्षांश रेखा कहलाती है। तो एक बात मैंने कह दिया कि समान दूरी पर, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक डिग्री के मध्य दूरी सदैव क्या होगी, समान होगी। तो प्रत्येक क्रमागत दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वह होती है 111 किलोमीटर, अर्थात 111 किलोमीटर होती है। यह फैक्ट है, अवस्थिति निर्धारित करता है, यह फैक्ट है। क्या है, यह फैक्ट है। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, यह फैक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका महत्व क्यों है, क्योंकि पृथ्वी 30.5 डिग्री झुकी होने के कारण इसी में सूर्य लंबवत चमकता है। तो ऊपर क्या है, कर्क रेखा अर्थात कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के मध्य सूर्य सदैव लंबवत चमकता है, यह इसकी इम्पोर्टेंस है। और 66.5 डिग्री क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इधर क्या है, अगर ये 23 डिग्री है तो इधर क्या है, 66.5 डिग्री, तभी तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी भी इम्पोर्टेंस हो गई। अब आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आइए देख लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत का जो ये कन्याकुमारी का ये बिंदु है, ठीक है, वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। क्या है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसका मतलब 8 के बाद ये 9 डिग्री 10 डिग्री 4 11 12 13 14 ऐसे करके 37 डिग्री अक्षांश रेखाएं इसके मध्य गुजर रही हैं। तो इसका मतलब अगर अब मैं कहूँ आपसे भारत कहाँ पर है पूरे पृथ्वी में अर्थात ग्लोब में, तो जरा बताइए, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, उत्तरी अक्षांश, इसलिए इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 8 डिग्री, अगर मैं ये कहूँ कि 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ओके, बाकी एग्जैक्ट अब इस पूरी बेल्ट में, फिर से मैंने क्या बोला, बेल्ट या जोन, इसी 8 डिग्री से 37 डिग्री के मध्य यहाँ से लेकर के कहीं पे भी हो सकता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे जब देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा में इसकी लोकेशन जैसे ही ट्रेस करेंगे, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो हम लोग देखेंगे कि पूर्वी देशांतर में भारत को ट्रेस कर लेंगे, ठीक है, तो ग्लोब भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।